नर्मदा में एक कॉन्सर्ट चल रहा था और उसमें हम लोग भोपाली गा रहे थे और करीब 25 साल 30 साल के बाद में भोपाली गा रहे थे। अच्छा। गाए नहीं उस बीच में। अच्छा। और ऑर्गेनाइजर के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे भोपाली गा रहे थे हम लोग। तो 25-30 साल छोटा हुआ राग है, तो बहुत छोटा राग लेकिन बहुत बड़ा राग है, तो मुश्किलात आ रहा था। तो भी माँ सरस्वती की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा था। तो एक ऐसा रिदम का लेबल आया जहाँ पे मुझे बड़े गुलाम अली खान साहब की याद आई कि उनकी ऐसी ताने आई हैं, काश मेरे से भी एक तान आ जाए। तो उनका शकल मेरे आंख के सामने आया और उनका वो उपज, जैसे वो तान मारते थे, वो तान मेरे दिमाग में एकदम से आया बिजली की तरह। और वो भावना मन में हुई कि काश एक तान मेरी भी आ जाए वैसे। अच्छा। तो आ गई एक तान। तो भैया का हाथ मेरे पीठ पे आया, बोले ओ हो क्या तान आई। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि आज मुझे भी वो उपलब्धि मिली कि कोई आया, कोई गाया। और दो आवर्तन के बाद ही बोले फिर से एक बार। अब मैं फिर से एक बार में जरा और अंदर से घबराया कि अब दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर हमने ध्यान किया, हमने कहा एक बार खान साहब और आइए, तान मार जाइए। फिर आए वो, अब फिर उसी दर्जे पे तान आई। अरे वाह। तो उस दिन से मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आप समर्पित हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों को याद करते हैं तो वो बुजुर्ग आते हैं और आपको सहयोग करते हैं।